कर मित्रों, हम लोगों ने अभी तक सुजोग बेसिक को देखा, समझा, और बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे मैसेजेस अभी ऐसे आ रहे हैं कि हमने इस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट करना, हमने उस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट करना। मित्रों, जब हमने बेसिक समझ लिया है तो हमें ट्रीटमेंट करने का तरीका भी आना चाहिए। तो क्या करें, क्या होता है ट्रीटमेंट करने का तरीका, मतलब आप कैसे पॉइंट को चुनेंगे। तो सुजोक थेरेपी में या एक्यूप्रेशर थेरेपी में 14 मेरिडियन बताए गए हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी को फ्लो करते हैं, जो कि जैसे LU, LI, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन, HT, SI, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, BR मतलब ब्रेन, SC मतलब स्पाइनल कॉर्ड, SP, ST मतलब स्प्लीन और स्टमक, LIV मतलब लीवर, GB मतलब गॉल ब्लैडर, KD मतलब किडनी और UB मतलब यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सपोर्टिव ऑर्गन माने गए, सपोर्टिव एक दूसरे को माने गए। अब इसका हम प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे कि अगर आपको जो भी तकलीफ है उससे रिलेटेड मेन ऑर्गन हम लेंगे, सपोर्टिव ऑर्गन उसका लेंगे। सपोर्टिव ऑर्गन जैसे लंग्स में कोई तकलीफ है तो हम LI की भी ट्रीटमेंट करेंगे साथ साथ में। इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जैसे डायबिटीज़ है, महिलाओं की प्रॉब्लम है, या फिर थायराइड है, डायबिटीज़ है, इस तरीके से। और कुछ चीज़ें जैसे अस्थमा है, सिस्टम के भी हम सिस्टम के थ्रू भी जाएंगे कि जो बीमारियां सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट की बीमारी है, तो हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सारे हम लेंगे। और अंत में हम एक किडनी का पॉइंट भी लेंगे साथ में कि हमने जो ट्रीटमेंट किया उससे जो उससे जो टॉक्सिन रिमूव हो रहा है वो किडनी के थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए हमारे शरीर से। तो आइए हम एक दो उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। अब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है कि मुझे अस्थमा की तकलीफ है। तो हमने देखा कि ये जो एरिया है ये लंग्स का एरिया है, लंग्स का एरिया मेन ऑर्गन। तो हम पहले मेन ऑर्गन पे ट्रीट करेंगे, जिमी से हम देखेंगे इस तरीके से प्रेस करके, जो भी पॉइंट हमें मिलेगा, एक पेनफुल पॉइंट मिलेगा, उस पेनफुल पॉइंट को हम प्रेशर देते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हम समान रूप से प्रेशर दें ताकि जो पेनफुल पॉइंट हो वो ढूंढने में हमें आसानी हो। वो पेनफुल पॉइंट पे हमने 10 से 12 बार ट्रीटमेंट करना है, और उस पर आप चाहे मेथी की पट्टी लगा लो या फिर उस पेनफुल पॉइंट में एक स्टार मैग्नेट या जो भी मिलता है आपको वो चीज़ आप लगा लो। दूसरा, हम ना हमारा जो सपोर्टिव ऑर्गन है, फिर हम देखेंगे कि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीधी सी बात है, पेट साफ करेंगे हम और इस पर भी हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद है इंडोक्राइन ग्लैंड। अब लंग से रिलेटेड कोई इंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर भी हम यहाँ पर ट्रीट कर देंगे। और आखिरी में है सिस्टम। तो लंग से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो है हार्ट, तो हम हार्ट पॉइंट को भी हम ट्रीट करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे अस्थमा में लंग की कोई प्रॉब्लम, कोई भी पॉइंट में आपको दर्द नहीं होगा, आपको दर्द होगा या तो लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट में या तो फिर हार्ट के पॉइंट में, तो हम हार्ट के पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरीके से हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट इस माध्यम से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सब इस चीज़ को समझे होंगे, और ना समझे हो तो मुझे ज़रूर पूछे। धन्यवाद।